हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एक्साइज इंस्पेक्टर की प्रमोशन एंड पोस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेट वाइज वैकेंसी यानी सेंक्शन और वर्किंग के बाद कितनी बची है उस सीरीज़ का आज ये भोपाल स्टेट का डिस्कशन चलेगा। जो भी लोग भोपाल से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो ग्रुप बी गजेटेड पर पहला प्रमोशन यानी सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर कि आप सेक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ देख सकते हैं, तो यानी वैकेंट कितनी है अभी 300 सीट इंस्पेक्टर की वैकेंट है। तो सुपरिटेंडेंट की बात करें तो सिर्फ 20, तो 20 सीट्स वैकेंट है। तो इसलिए प्रमोशन आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम लग सकता है कि जितने वर्किंग हैं उनको। अगर सुपरिटेंडेंट ACDC बन जाते हैं तब फास्ट हो जाएगा इस जोन। अभी प्रमोशन हुए सुपरिटेंडेंट के AC तक, तो आप देख सकते हैं AC की सेक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग दिखा दी मैंने आपको। अब जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो पहले जो सुपरिटेंडेंट बने हैं वो 4-5 साल में बन गए हैं, भोपाल जोन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और अभी टाइम लगेगा 6-8 साल। पर अगर CR कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो गई तो जल्दी भी हो सकता है। रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुए इनके भी, 2 साल का हो गया एक्साइज का सुपरिटेंडेंट पर। 4 साल अगर आप सुपरिटेंडेंट की जॉब करते हो तो आप एक लेवल 10 पर पहुँच जाओगे। ये जनरली सारी 4800 ग्रेड पे में है, जिसमें 4 साल आपकी जॉब के बाद आप 5400 पर आ जाओगे, मतलब 4600 से लगभग आपको 12 साल में 54। AC से DC 4 साल लगते हैं तो आप 16 साल मान के चल सकते हैं। पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये 16 तो पहले आपको इंस्पेक्टर के भी ऐड होंगे, 8 वो सुपरिटेंडेंट के, फिर 16 सुपरिटेंडेंट से AC, क्योंकि स्टैग्नेशन आ जाती है। तो 30-32 साल में आप AC बन सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। अब अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की मैं बात करूं तो अपील्स इंदौर, भोपाल और रायपुर, बाकी 2 MP के हैं, 1 CG छत्तीसगढ़। फिर ऑडिट के 3 आएंगे इसमें। ये लोकेशंस है, आपको इन लोकेशन पर इन कमिश्नरेट में काम करना होगा। तो भोपाल, इंदौर और रायपुर, इसमें रेंजेस होगी उज्जैन और जबलपुर, ठीक है। इनमें रेंजेस और सेक्शंस होते हैं, वहाँ पर डिविजन्स में आपको काम करना हो सकता है और इनके हेडक्वार्टर में भी। नागपुर भी इसी जोन के अंदर आता है, पर उस एज सच उसकी कोई हेडक्वार्टर कमिश्नरेट नहीं है। तो इसलिए 3-3 साल पर एक्साइज में, मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन रोटेट होते हैं, पॉलिसी है एक्साइज की। 3 साल बाद आप एक कमिश्नरेट से दूसरे में जाओगे। तो जो भोपाल से, तो आप देख सकते हैं भोपाल में 3 कमिश्नरेट हैं, अपील्स के और ऑडिट का, और एक भोपाल। और CCO में, कैडर कंट्रोल में भी पोस्टिंग होगी, वो भी भोपाल में। तो भोपाल वाले लगभग 12-15 साल भोपाल रह सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप स्पाउस ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड पर आ सकते हो दोबारा भोपाल। ऐसा नहीं कि आपको इंदौर में ही रहना पड़ेगा। क्वार्टर्स की अकोमोडेशन की बात करें, जो लोग भोपाल के नहीं है या है, अगर उन्हें क्वार्टर चाहिए तो ये 2 BHK मिलेगा, जो 2 रूम होंगे, जिसमें अगर आपकी ग्रेड पे 48 भी हो जाती है तब भी आपको यही मिलेगा। अब अगर बात करें कितनी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर मैं वैकेंसीज़ को हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ। आप पॉज करके भी देख सकते हैं कैडर कंट्रोल में कितनी है इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट की, और अपील में कितनी है, और अपील इंदौर में कितनी है, और अपील रायपुर, तीनों का आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का दिखा देता हूँ कि 0-0 है, कोई वर्किंग नहीं है। प्रमोशंस बहुत स्लो है TA के EA पे, तो इसलिए काफ़ी TA आपको दिखेंगे वर्किंग यहाँ पर भोपाल जोन में। एग्जीक्यूटिव पर प्रमोशन नहीं हुआ है, जो कि होने वाला था बट रुक गया। अभी उसकी बाद में डिस्कशन करेंगे सारा कुछ TA EA का। पहले मैं इंस्पेक्टर की सीरीज़ ख़त्म कर देता हूँ। अब आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपको जयपुर और कोलकाता का देखना है। बाकी यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन और वर्किंग, ऑडिट के अंदर ऑडिट इंदौर, ऑडिट रायपुर और भोपाल कमिश्नरेट। इंस्पेक्टर की भी आप देख सकते हैं, और TA EA की भी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कि कितनी सेक्शन और वर्किंग है। सेक्शन और वर्किंग का मतलब ये है कि कितने लोग काम करेंगे वहाँ पर और अभी कितने कर रहे हैं। तो जो वैकेंसी बचती है उसको ये लोग रिपोर्ट करते हैं। अब वो किस एग्ज़ाम में जाती है वो कहा नहीं जा सकता। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अब इंदौर, रायपुर और उज्जैन जबलपुर कमिश्नरेट की भी आप देख सकते हैं, सारी वैकेंसीज़ में हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ।
प्रमोशनल एस्पेक्ट्स मैंने स्टार्टिंग में बता दिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मैं बता चुका हूँ। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि आप चांसेस कहाँ हैं पोस्टिंग होने के, क्योंकि ये जॉब्स के जो जगह है वो ऑलमोस्ट सारी फुल है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज है, तो चांसेस ये रहेंगे कि आपको इधर पोस्टिंग ना मिले, पर आप ऑन रिक्वेस्ट भी पोस्टिंग ले सकते हो, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, तो बाद में डिस्कस करेंगे। अब टोटल की अगर बात करें तो आप टोटल देख सकते हैं कि कितनी सेक्शन और कितनी वर्किंग है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो प्रमोशन को डिसाइड करेगी। गाइज, अगर आप भोपाल में रहते हैं और आपका घर इंदौर भोपाल कहीं भी है MPECG में छत्तीसगढ़ में, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो इस जगह पर पोस्टिंग लेना चाहता है वो भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि किसी की तो हेल्प हो सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब दिस चैनल।